इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। उनको आगे भेज दो, अभी वार्ता के बाद हम लोग आएंगे, आगे की बात होगी। धन्यवाद। तब तक आप लोग पंचायत का संचालन करिए। जो भी किसान आ रहे हैं उनको आप खाना दिलवाइए, भूख लगी पानी दिलवाइए और 11 सदस्य टीम बनाइए। अध्यक्ष जी आप और साहब के साथ चलिए। अभी अभी सबको देंगे क्या? थोड़ा इसे बता दीजिए। बैठ जाओ आप लोग, सबको आप लोग बैठ जाओ। इसके आगे कोई नहीं जाएगा, आगे कोई नहीं जाएगा, नहीं बैठ जाओ। सिखाया गया पिछले 30 सालों में, इससे बड़े बड़े आंदोलन हुए लेकिन हमने कभी अनुशासनहीनता नहीं की। नहीं करेगा कोई भगदड़ नहीं। और एक बात सुन लो, ये जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं हमारे, हम लोगों ने 23 सूत्री मांगों को लेकर के आज यहाँ प्रदर्शन किया, किसान महापंचायत लगाई और उन सभी बिंदुओं पे बिंदुवार वार्ता हुई कमिश्नर साहब से। और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो संबंधित विभाग हो, चाहे वो प्राधिकरण हो या पुलिस उत्पीड़न का मामला हो या खाद का मामला हो या धान क्रय केंद्रों का मामला हो या जो ट्रैक्टर सरकार ने बैन किए हैं वो किसानों के लिए खोला जाए, इन सब मामलों पे उन्होंने कहा है कि वो बिंदुवार सभी विभागों से हमारी बैठक करा के चीज़ों का निस्तारण कराएंगे। चकबंदी का एक बहुत बड़ा मामला है, वो इनके अधीन है। उन्होंने कहा कि हम चकबंदी अधिकारी को भेजेंगे, SDM को, जो संबंधित गाँव होगा उसका निराकरण कराया जाएगा। आवारा पशुओं को लेकर के था कि जो जिले में काली हाउसों की सूची है वो सूची सार्वजनिक की जाए, तो उसको इन्होंने कहा कि सार्वजनिक की जाएगी और जहाँ पे भी धांधलीबाजी हुई है उसके लिए एक जांच कमेटी बैठा के दोषियों को दंडित किया जाएगा। किसानों की जो तमाम समस्या है उसमें सिंचाई का मामला है, उसमें कटीले तारों को जो प्रतिबंधित किया गया उसका मामला, सब बिंदुवार वार्ता हुई। इन्होंने कहा कि हम निस्तारण कराएंगे। देखिए पुलिस विभाग के हो या कोई भी बड़ा अधिकारी, उसको आप फोन करेंगे तो उसका PRO उठाएगा और वो यही बताएगा कि साहब मीटिंग में। मैं ये सब पूछना चाहता हूँ अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि अपने अधिकारियों को उन्होंने कितना काम दे रखा है कि किसानों का और एक आम जन का फोन उठाने के पास उनके पास टाइम नहीं है। PRO का मतलब होता है कि फोन उठाए, अधिकारी को सूचित करे, जब अधिकारी खाली हो तो संबंधित आदमी की समस्या सुने। मांग नहीं पूरी होगी तो कौन से किराए के लोग हैं? इसी तरीके से फिर धरना प्रदर्शन होता रहेगा, इससे बड़े धरना प्रदर्शन होंगे। अनु सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, उत्तर। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।